आशीष सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से बिहार का महापर्व छठ पूजा का शुरुआत हो चुका है। तो ये छठ पूजा मेरे घर में भी होता है, मेरी मम्मी करती है और मासी जी भी आए हुए तो ये भी करती हैं। तो आज जो है, आज वो है नहा खा। ठीक है, तो नहा खा जैसे कद्दू सब्जी बनता है, चना दाल का दाल बनता है और चावल बनता है। तो ये आज का प्रसाद होता है। तो अभी मम्मी और पिताजी मेरे छत पर हैं, तो वो दोनों मतलब कल का प्रसाद का और जो बाकी का भी जो प्रसाद होता है, जैसे कि ठेकुआ खजूर जो बनता है, और कल जैसे कि रसियाव बनता है, मीन्स खीर बनता है, मीठा खीर और रोटी बनता है, तो वो गेहूँ छत पे धो रहे हैं। तो हम ऊपर चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो छठ पूजा का आज दूसरा दिन है और आज के दिन खरना होता है। खरना मतलब ये होता है कि इसमें रोटी और मीठा खीर बनता है। तो कल आपने देखा था कि मैं आपको कल दिखाया था कि मम्मी मेरी और मौसी दोनों मिल करके गेहूं को धो रही थी और फिर उसको सुखा रही धूप में। तो वही गेहूं को आज हम लेके जाएंगे आटा चक्की में और पिसवाएंगे, उसी का रोटी बनेगा आज। और आज के दिन पे लोग बाहर से आते हैं शाम के टाइम में प्रसाद लेने के लिए, सबके घर घर जाते हैं प्रसाद लेने, और आज यही होता है। तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मतलब बाहर कितना भीड़ होगा। अभी जाना है मुझे और गेहूँ लेके चलूँगा पिसवाने उसको मिल पे। तो चलो हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं, तब तक देखते रहो वीडियो आप लोग। तो आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज के दिन वर्तिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। आप लोगों को पता है कि वो लोग फास्ट पे ही रहती हैं और कल था खरना जिसमें रात में वो लोग कुछ प्रसाद ग्रहण की थी और उसके बाद से फिर से वो लोगों का फास्टिंग स्टार्ट हो गया था। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है ना कि जो सूर्यदेव होते हैं, जब वो डूबते हैं तो जो फास्ट पे रहती है वो उनको ना उनका पूजा करती हैं। तो बहुत लोग गंगा घाट पे भी जाता है, बहुत लोग घर पे भी कर लेता है, क्योंकि गंगा घाट पे काफ़ी रश हो जाता है, काफ़ी भीड़ हो जाता है, तो इसलिए लोग ये घर पे भी कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग घर पे ही कर रहे हैं और हम लोग घर पे डेकोरेशन किए हैं, कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन है अपना भी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा डेकोरेशन मैंने किया है, तो आप लो मेरे साथ। तो जैसे कि ये देखो, ये मैंने ये डेकोरेशन किया है इधर, कुछ लोग गंगा घाट जाते हैं, कुछ लोग घर पे भी कर लेते हैं, तो हम लोग घर पे ही करेंगे। फल फल हरी सब गिन ले ले बानी, सड़िया पियारा का पहिर ले ले बानी, फल फल हरी सब गिन ले ले बानी, सड़िया पियारा का पहिर ले ले बानी, दौरा उठावा माथे मन लगहनवा कहनवा कहनवा कहनवा, होई पटना के घाट
पप्पू जानावा बात मान हमारो सजनावा साल कोई नी जा गवही परबिया हो सोदियाई राज थानी में अराधिया हर साल कोई नी जा गवही परबिया हो सोदियाई राज थानी में अराधिया दोनों बेरी गंगा जी में कोकेया सना नवा भैया नवा पटना के घाट पप्पू जानावा बात मान हमारो सजनावा मेरा रंग दे बसंती चोला 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 आज रंग दे फ्रेंड्स मैं आशीष सिंह राजपूत और आज छठ पूजा का चौथा दिन है और आज अंतिम दिन होता है छठ पूजा का। तो आज के दिन व्रतिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और अपना व्रत को यहीं तोड़ती हैं और जब तक सूर्यदेव बाहर नहीं आते हैं तो लोग कम से कम एक घंटा पहले से ही गंगा घाट के अंदर ही रहता है और जब सूर्यदेव बाहर आते हैं तो उनको अर्घ दे करके अपना फास्ट यहीं तोड़ती हैं। और वो लोग स्टार्टिंग में जब फास्ट टूटता है तो वो लोग गर्म पानी के साथ अदरक और जो गुड़ होता है उसको लेती हैं ताकि वो पेट के लिए अच्छा होता है। आप खुद सोचो 3 दिन से लोग फास्ट पे है और कुछ ऐसा वैसा खाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा बॉडी पे, तो इसलिए लोग कुछ लाइट लेता है ताकि बॉडी पे इफ़ेक्ट ना पड़े। तो अब मैं आप लोग दिखाऊंगा कि मम्मी कैसे अर्घ दे रही हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं सूर्यदेव का क्योंकि अभी तक बाहर आए नहीं है, आप देख सकते हो पूरा अंधेरा है ऊपर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और जैसे ही आएंगे मैं आप लोग सब दिखाऊँगा। फ्रेंड्स तो सुबह का अर्घ देने के बाद ये छठ व्रत यहीं पर समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में बताओ कि मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगा और आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये बताओ। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ढेर सारा प्यार दो। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।